नमस्कार अंकल जी। नमस्कार सर। अंकल साहब, आपने जुडिशरी और ये जो न्यायपालिका का हमारा क्षेत्र है, इसमें एक बहुत लंबी और बहुत सफल पारी की, तो आपके सफर की शुरुआत कैसे? मैंने लॉ किया और लॉ करके बाद शुरू में करीब 4 से 6 महीने ब्यावर कोर्स में प्रैक्टिस की। वहाँ मेरे बड़े ब्यावर थे, वकालत करते थे नीके संरक्षण। फिर मैं जयपुर आ गया और जयपुर आने के पश्चात मेरे ब्रदर की एक फर्म थी भगवान दास की या भवरदास राखा, उस फर्म में मैंने अपना ये सफर जारी किया। मुख्यतः मैं कर सलाहकार के रूप में रहा और धीरे धीरे समय गुजरता गया। 1990 में मुझे राजस्थान हाई कोर्ट के डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बनाया गया। वो सफर आप लोगों की सब शुभकामनाओं से आज भी जारी है। अभी आपने एक टर्म यूज की, सीनियर एडवोकेट। हमारे कुछ मित्र हैं वो ज्येष्ठ अधिवक्ता अपने आप को लिखते हैं, क्या ये दोनों एक ही बात है? इन दोनों में बहुत फर्क है। सीनियर एडवोकेट एडवोकेट्स एक्ट के अनुसार एक मान्य स्थान है जी, और सीनियर एडवोकेट्स जो बनाए जाते हैं इस पूरे देश में, वो प्रत्येक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही ये अधिकार है जी। और जिस समय मुझे सीनियर एडवोकेट बनाया गया जी, उस समय प्रणाली ये थी कि हम किसी तरह की अर्जी नहीं देते थे कि हमें सीनियर एडवोकेट बनाइए। पूरी हाई कोर्ट की फुल बेंच जी का डिसीजन होता था जी, और मुख्य न्यायाधिपति नाम प्रपोज करते थे। यदि एक भी जज ने अपोज किया, इनकार कर दिया जी, तो उसका नाम नहीं होता था। और उस समय मुझे तो इतना मान मिला कि केसी अग्रवाल चीफ जस्टिस थे जी, शायद ये एक अनकही बात होगी जी, वो स्वयं यहाँ आए, जिस स्थान पे आप बैठे उस स्थान पे बैठे जी, और मुझसे कहा राघा साहब आप इसके लिए कंसेंट दे दीजिए। और साथ में ये और कहा कि लेखराज जी साहब मेहता और सागरमल जी साहब मेहता जी, दोनों को मैं कराना चाहता हूँ, वो दोनों इनकार कर रहे हैं, आप कृपया उनसे कंसेंट ले लीजिए। मैंने प्रयत्न किया, सागरमल जी साहब ने अनुमति दे दी, परंतु लेखराज जी साहब मेहता ने अनुमति नहीं दी। उनका मुख्य कारण उन्होंने जो बताया वो ये है कि सीनियर एडवोकेट होने के पश्चात किसी भी तरह का पीडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं ड्राफ्टिंग करें। अच्छा, हम सिर्फ सेटलिंग कर सकते हैं, हम ड्रॉआउट नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि मेरी प्लीडिंग्स ही बेस मेरे बनती है, और मैं उसके बिना प्रैक्टिस कर नहीं सकता, इसलिए मैं कंसेंट नहीं देता। और मुझे फख्र है कि आज वो 92 इयर्स के भी है, परंतु तो फिर भी कभी कभी अब न्यायालय में आते भी हैं। उस समय हम करीब 8 व्यक्तियों का अच्छा एक साथ
चयन किया गया, सुरेंद्रजी साहब मेहता भी थे, वीरेंद्र प्रसाद जी अग्रवाल थे, एक अपने मजदूर मित्र जोधपुर में थे वो थे जी। इस तरह से हम आठ व्यक्ति एक साथ वरिष्ठ अधिवक्ता बनाएंगे। ज्येष्ठ अधिवक्ता जो आपने शब्द कहा जी, वो देन है मेरे मित्र सुधीर कुमार जी तिवारी का जी। इनका ये सोच है कि जिस अधिवक्ता ने 25 वर्ष इस क्षेत्र में सफल रूप में काम किया है, मेहनत से काम किया है और अपने काम को सुचारू रूप से किया है, उनका चयन किया जाए और मानसरोवर एडवोकेट्स क्लब ट्रस्ट जिनकी वो की वो स्वयं भी प्रणेता है उसके द्वारा उनका अभिनंदन किया जाता है। और उसका असर ये हुआ उन व्यक्तियों ने और आगे क्षेत्र में अधिक सफलता से और मेहनत से और परिश्रम से कार्य करने का प्रयत्न किया। आपने पॉलिटिकली बहुत करेक्ट आंसर दिया। हम लोग 10 मिनट वाला देखो, 10 मिनट वाला मामला। तो मैं ये कह रहा था नाका साहब के हाईकोर्ट की जो आपकी पहली अपीयरेंस थी, क्या वो आपको संस्मरण याद है, कैसी थी क्या थी? मेरी पहली अपीयरेंस जोधपुर उस समय हाईकोर्ट की बेंच यहाँ से उठा दी गई थी और कान सिंह जी साहब थे उनके समक्ष मैं और मेरे मित्र डीपी गुप्ता उनके बाद में सीजे बने, उन दोनों ने जॉइंट अपीयरेंस एक सेल्स टैक्स के मैटर में, हीरा टाक साहब हैं उनके यहाँ एक सर्वे हुआ और सर्वे में जो ब्रोकर्स मिले उनके पास जो सामान था वह सीज कर लिया गया जो कि कानून के विरुद्ध था, तो उसको हमने जाकर तो चैलेंज किया और हमें उसमें सफलता मिली। कान सिंह जी को आप कैसे रेट करते हैं? कान सिंह जी बहुत अच्छे जज, बहुत अच्छे जज रहे हैं, बहुत अच्छे जज रहे हैं और पूर्णतया उन्होंने जो एक जज के लिए मान्य है मापदंड है उस पर वो खड़े उतरते थे। अगर थोड़ा सा मुश्किल सवाल पे हम लोग आते हैं, जब आपने वो सारी शुरुआत देखी और खास करके कान सिंह जी जैसे लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो मैं तीन टर्म यूज करना चाहता हूँ नाका साहब। मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी में पहले न्याय होता था, फिर गुंडे होने लगे और अब केवल विस्तार होता है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? उसका मुख्य कारण जो मेरे को लग रहा है वो ये लग रहा है कि इतने अधिक मुकदमे आ गए, मैटर्स आ गए और जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ भी बहुत कम है और उसमें भी 40% वैकेंसी है और लोअर जुडिशरी की भी वही हालत है। इसके कारण से कि ज़्यादा पेंडेंसी नहीं रहे, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है कि निर्णय होने लगे और निर्णय के बाद अब निस्तार होने लग रहा है। क्या जजेस की क्वालिटी में भी आपको कोई अंतर दिखता? जजेस की क्वालिटी जो पहले थी उसके मुकाबले में काफी कमजोर मैं पा रहा हूं। उसका कारण क्या मानते हैं आप? उसका मुख्यतः कारण तो यही है कि वकालत में भी वो संघर्ष करने वाले और वो बेखौफ आर्ग्यू करने वाले वकील थे वो कम होते नजर आ रहे हैं।
और जब वकीलों में ही ऐसी श्रेणी कम है तो जजेस तो उन्हीं में से चुने जाते हैं, तो उस कारण से जजेस का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा कि जो पहले हम लोग आकांक्षा करते थे या जैसा हम पाते थे। पहले हम बार और बेंच में बहुत सामंजस्य था, ये कभी ये भावना नहीं थी कि हम कुछ भी निवेदन कर रहे हैं तो किसी आकांक्षा से निवेदन कर रहे हैं। कानून क्या है, कानून सम्मत क्या है, यही बताने का प्रयत्न करते थे और उसके बाद निर्णय कुछ भी हो उसका हम कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं करते थे और ना ऐसा कोई मौका मिलता था। आजकल मैं इधर देखता हूँ डाका साहब के बहुत सारे वकीलों के मुखारविंद से इस तरह की बात सुनने में आ जाती है कभी कभी कि भाई ये बेंच ठीक नहीं है, ये बेंच ठीक नहीं है का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं बेंच हंटिंग जी, और वो ऐसे व्यक्तियों के पास अपने केस को आर्ग्यू करना चाहते हैं कि जिन्हें जिनसे उनको किसी तरह की लिबरल एटीट्यूड की आकांक्षा हो, इसलिए वो ये कहने को लग जाते हैं यदि उनके विरुद्ध में हो गया तो ये बेंच ठीक नहीं है और उनके फेवर में हो गया तो बहुत अच्छी बेंच है। रिजल्ट ओरिएंटेड भावना पैदा होगी, पहले रिजल्ट ओरिएंटेड भावना नहीं थी, निष्पक्ष था कि हमारा कर्तव्य तो सिर्फ आर्ग्यू करने का है, हमने आर्ग्यू किया बेस्ट टूअर एबिलिटी जी, अब उसका क्या भी निर्णय हो गया वो उसके ऊपर हम लोग कभी क्रिटिसाइज नहीं करते थे। आपने अभी एक टर्म यूज की बेंच हंटिंग, ऐसे एक टर्म है अंकिल जजेस, इस पर आप कुछ सोचते हैं ये क्या चीज़? अंकिल जजेस जो वर्ड यूज हम यूज करते हैं कि उसी हाईकोर्ट में जज साहब है उनके सुपुत्र हैं वो वकालत करते हैं, दूसरे जज साहब हैं उनके सुपुत्र हैं वो वकालत करते हैं, तो यदि एक जज साहब दूसरे जज साहब के पुत्र को सहानुभूति रखे तो उसी का वापिस रिजल्ट है कि वो स्वयं रेसिप्रोकल होकर के, तो इसको अंकिल जजेस वाला कहा जाता है। और उसमें मेरी मान्यता ये है कि जब राष्ट्र में एक ही जुडिशरी है चाहे स्टेट सब्जेक्ट है परंतु अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तो सिंगल है, तो होना ये चाहिए कि एलिवेशन उस स्टेट से हो, दो तीन महीने उस स्टेट में रखें उसके बाद दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर देना चाहिए ताकि ये जो शब्द आपने यूज किया है ये भावनाएं किसी के मन में आए ही नहीं। बिल्कुल अच्छा सुझाव है आपका। ट्रांसफर पॉलिसी जो बीच में 75 से चली थी वो उसको मैं आज भी अच्छी पॉलिसी मानता हूँ, और आज हमारे यहाँ से जस्टिस आर एन लोढ़ा बॉम्बे हाई कोर्ट में गए जी, और मैं आज निश्चित रूप में कह सकता हूँ और छाती ठोक के कहता हूँ कि बॉम्बे बार ने जो उनको ट्रेनिंग दी और जो वो लिख रहे वहाँ पर जी, उससे ही भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश हुए जी, तो एक नहीं अनेक ऐसे दृष्टांत हैं। हमने ये सुझाव लेकिन आपका अच्छा है कि वो जहाँ से भी उन्होंने प्रैक्टिस करके एलिवेशन पाया है जजेस का तो वो सुबह में रह के जजशिप ना करें, क्योंकि फ्रेंडशिप भी होती है, फ्रेंडशिप भी होती है किसी से जब हम वकालत करते हैं आपका पूरा ऑफिस होता है तो हमारे अगेंस्ट में जो आर्ग्यू करते हैं उनसे द्वेष भावना भी पैदा हो जाती है, दोस्ती भी होती है जी जी, इसी तरह मुवक्किलों से भी मुलाकात होती है, अब उसका या उससे किसी
नजदीक का कोई भी केस आने के बाद आखिर ह्यूमन नेचर है, प्रकृति को बदल नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसमें बायस तो क्रिएट हुई है, बायस क्रिएट हुआ, फ्यूअर भी क्रिएट हुआ जी, वो कम होते नजर आ रहे हैं। और जब वकीलों में ही ऐसी श्रेणी कम है तो जजेस तो उन्हीं में से चुने जाते हैं, तो उस कारण से जजेस का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा कि जो पहले हम लोग आकांक्षा करते थे या जैसा हम पाते थे। पहले हम बार और बेंच में बहुत सामंजस्य था, ये कभी ये भावना नहीं थी कि हम कुछ भी निवेदन कर रहे हैं तो किसी आकांक्षा से निवेदन कर रहे हैं। कानून क्या है, कानून सम्मत क्या है, यही बताने का प्रयत्न करते थे, और उसके बाद निर्णय कुछ भी हो उसका हम कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं करते थे और ना ऐसा कोई मौका मिलता था। आजकल मैं इधर देखता हूँ डाका साहब के बहुत सारे वकीलों के मुखारबिन से इस तरह की बात सुनने में आ जाती है कभी कभी, भाई ये बेंच ठीक नहीं है, ये बेंच ठीक नहीं है का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं बेंच हंटिंग जी, और वो ऐसे व्यक्तियों के पास अपने केस को आर्ग्यू करना चाहते हैं कि जिन्हें जिनसे उनको किसी तरह की लिबरल एटीट्यूड की आकांक्षा हो, इसलिए वो ये कहने को लग जाते हैं यदि उनके विरुद्ध में हो गया तो ये बेंच ठीक नहीं है, और उनके फेवर में हो गया तो बहुत अच्छी बेंच है। रिजल्ट ओरिएंटेड भावना पैदा होगी, पहले रिजल्ट ओरिएंटेड भावना नहीं थी, निष्पक्ष था कि हमारा कर्तव्य तो सिर्फ आर्ग्यू करने का है, हमने आर्ग्यू किया बेस्ट फॉर एबिलिटी जी, अब उसका क्या भी निर्णय हो गया वो उसके ऊपर हम लोग कभी क्रिटिसाइज नहीं करते थे। आपने अभी एक टर्म यूज की बेंच हंटिंग, ऐसे एक टर्म है अंकल जजेस, इस पर आप कुछ सोचते हैं ये क्या चीज़ है? अंकल जजेस जो वर्ड यूज हम यूज करते हैं कि उसी हाई कोर्ट में जज साहब हैं, उनके सुपुत्र हैं, वो वकालत करते हैं, दूसरे जज साहब हैं, उनके सुपुत्र हैं, वो वकालत करते हैं, तो यदि एक जज साहब दूसरे जज साहब के पुत्र को सहानुभूति रखें तो उसी का वापस रिजल्ट है कि वो स्वयं रेसिप्रोकल को भी रेसिप्रोकल होकर के जी, तो इसको अंकिल जजेस वाला कहा जाता है। और उसमें मेरी मान्यता ये है कि जब राष्ट्र में एक ही जुडिशरी है, चाहे स्टेट सब्जेक्ट है, परंतु अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तो सिंगल है, तो होना ये चाहिए कि एलिवेशन उस स्टेट से हो, दो तीन महीने उस स्टेट में रखे, उसके बाद दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, ताकि ये जो शब्द आपने यूज किया है ये भावनाएं किसी के मन में आए ही नहीं। बिल्कुल अच्छा सुझाव है आपका। ट्रांसफर पॉलिसी जी जो बीच में 75 से चली थी वो उसको मैं आज भी अच्छी पॉलिसी मानता हूँ, और आज हमारे यहाँ से जस्टिस आर एन लोढ़ा बॉम्बे हाई कोर्ट में गए जी, और मैं आज निश्चित रूप में कह सकता हूँ और छाती ठोक के कहता हूँ कि बॉम्बे बार ने जो उनको ट्रेनिंग दी और जो वो लिख रहे वहाँ पर जी, उससे ही भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश हुए जी, तो एक नहीं अनेक ऐसे दृष्टांत हैं। हाँ नहीं, ये सुझाव लेकिन आपका अच्छा है कि वो जहाँ से भी उन्होंने प्रैक्टिस करके एलिवेशन पाया है जजेस का, तो वो सूबे में रह के जजशिप ना करें, क्योंकि
फ्रेंडशिप भी होती है, फ्रेंडशिप भी होती है किसी से, जब हम वकालत करते हैं आपका पूरा ऑफिस होता है तो हमारे अगेंस्ट में जो आर्ग्यू करते हैं उनसे द्वेष भावना भी पैदा हो जाती है, दोस्ती भी होती है जी जी। इसी तरह मुवक्किलों से भी मुलाकात होती है, अब उसका या उससे किसी नज़दीक का कोई भी केस आने के बाद आखिर ह्यूमन नेचर है, प्रकृति को बदल नहीं सकते, ठीक बात, कुछ ना कुछ उसमें बायस तो क्रिएट हुई है, बायस क्रिएट हो जाता है, फ्यूर भी क्रिएट हो जाता है। राघव सर का फिल्म आपने सामने है, आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का और जजों को कैसे मिलना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कि वहाँ होना चाहिए, हम सीधे सीधे कॉलेजियम पे आते हैं, आपको लगता है कि वो पहले वाला जो सिस्टम था वो ज्यादा अच्छा था, इफेक्टिव था, या आप जो प्रणाली है जजेस के अपॉइंटमेंट की वो ज्यादा अच्छी? नहीं, कॉलेजियम सिस्टम को मैं अच्छा मानता हूँ, और कॉलेजियम में जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और चार वरिष्ठ जज होते हैं तो हमें उन पर विश्वास रहता है कि निश्चित रूप में जुडिशरी में जिस व्यक्ति का को स्थान मिलना चाहिए उसी को स्थान मिलेगा। दूसरा क्या है मेरा कहना कि जब आप प्राइम मिनिस्टर को ये अधिकार देते हैं कि वो अपनी कैबिनेट को फॉर्म करे तो क्या आप भारत के उच्च न्यायाधिपति को ये अधिकार नहीं देना चाहते कि उन्हें जब उस घर को चलाना है, उन्हें जब वो सारा कार्य करना है तो स्वयं जिसे उचित समझे अपनी टीम को खुद बनाए, उसे खुद बनाए। आप जब आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष का एक्सपीरियंस हो जाता है जी, अब 30 वर्ष के जिसका एक्सपीरियंस है और वेराइड एक्सपीरियंस है कि स्टेट हाई कोर्ट में करीब 15 साल लग जाते हैं, चीफ जस्टिस बनने में 15 साल लगते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 10-12 साल के बाद उनका नंबर आता है, तो हमें हमेशा उनके ऊपर ये एक विश्वास रहता है कि वो जो भी कार्य करेंगे वो सही और आकलन करके ही करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे तो दूसरा जो आपने कहा कॉलेजियम को यदि हम बदल करके दूसरा कोई सिस्टम रखे जैसे कमेटी फॉर्मेशन का है तो क्या उस कमेटी में भी प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं होंगे, और यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति पे कोई असर डाल सकता है तो क्या उन व्यक्तियों के ऊपर असर नहीं डाला जा सकता? ठीक बात, तो कहाँ तक एक प्रणाली को और ये कॉलेजियम की प्रणाली हमारे जयेश वर्मा साहब की, और मैंने उस व्यक्ति को बहुत नज़दीक से देखा है, अच्छा परखा है, और मैं उनके प्रति बहुत आस्था रखता हूँ। मैं आपको एक दृष्टांत दूं जी प्लीज। 1997 में जब मैं राजस्थान टैक्स डिस्पैट एसोसिएशन का अध्यक्ष था जी, मैंने उनसे निवेदन किया कि वर्मा साहब मैं ये चाहता हूँ कि जुडिशरी को क्या होना चाहिए, क्या हो गई है और क्या उसमें प्रभावी और असर होना चाहिए, इस पे आपका भाषण जी। तो पहले तो ये कहा कि इलाका क्या मेरे को इस प्रॉब्लम में डाल रहा है, क्रिटिसिज्म हो जाएगा, तो जानता है मैं तो बहुत फ्रैंक बोलता हूँ, क्योंकि मैं आपसे ही आशा कर सकता, और मैं आज दुखी हूँ कि जो हालत में देख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका भाषण राज मंदिर में मैंने ऑर्गेनाइज किया और पूरा हाउस फुल था, बालकोनी तक में लोग बैठे हुए थे जी, 70 मिनट तक, अच्छा
निर्विरोध बिना रुके हुए बिना पानी पिए हुए बिना किसी पढ़े हुए उन्होंने सटीक भाषण दिए। सिर्फ एक कागज के ऊपर चार पॉइंट्स लिखे हुए थे, उसके अलावा कुछ नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंट था पूरा राजमंदिर, एक भी चूं करके उठा नहीं, एक कोई गया नहीं कोई आया नहीं, ऐसा व्यक्ति था। बेसिक खर्चों पर भाषण उनका बेसिस बेसिस यही था कि एथिक्स मेंटेन करनी चाहिए, नॉलेज जहाँ तक है नॉलेज एक्वायर की जा सकती है मगर एथिक्स को बाद में बदलना मुश्किल होता है। इसलिए चयन करते समय सबसे प्रथम आवश्यकता ये है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, क्या वो किसी तरह से प्रलोभन में आ सकता है। यदि संभावना है तो चाहे वो कितना ही माहिर हो उसको एक्सेप्ट कर दीजिए और फिर जो भी कर्तव्य वगैरह हैं। और मैंने उस भाषण को लिपिबद्ध करवा करके और डिस्ट्रीब्यूट भी किया और उसमें सहयोग मेरे मित्र सुधीर तिवारी जी तिवारी जी का मिला है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लेकर यहाँ खड़ी हो गई। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो पहले के जजेस थे उनकी क्वालिटी अच्छी थी और दूसरी तरफ हमने कॉलेजियम को एंडोर्स किया, लेकिन हम देखते हैं कि कॉलेजियम के बाद जो जजेस की क्वालिटी है वो पहले वाले के मुकाबले शायद इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मानते? मैं इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ ये समय का ही असर है। अच्छा, और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा यदि वकील श्रेष्ठ नहीं होंगे तो जज का से श्रेष्ठ हो जाएंगे क्योंकि वकीलों में से ही चयन किया जाता है। तो क्वालिटी सब जगह फाल होती जा रही है, डी जनरेशन है, वो समाज के लिए घातक है, चाहे वो वकालत के क्षेत्र में है चाहे अन्य क्षेत्र में। आप सीधा सीधे ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जैसी गिरावट समाज में आ रही है तो जो वकील और जजेस हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा, समाज के हिस्से हैं, वो उससे कैसे अछूते रह सकते हैं? आज एजुकेशन कौन सी बची हुई है, आज मेडिकल फील्ड में कौन सा बचा हुआ है, सबको आपाधापी ये लगी हुई है मुझे पैसा अधिक से अधिक कमाना है इन के इन प्रकार किसी भी तरह से, अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं है, क्या हमारी डेडिकेशन होना चाहिए, क्या डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्या डिवोशन होना चाहिए, क्या हमारी ड्यूटी है, क्या हमारा ऑब्लिगेशन है, क्या समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, ये सब भूले जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति में बह जा रहे हैं, मनी ओरिएंटेड हो गया सब। बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति यही सोचता है मुझे उस व्यक्ति से क्या आशा हो सकती है, इनके हिसाब से मैं क्या मानूंगा, इसकी मेरे दिमाग में हमेशा रुचि रहती है। किस हिसाब से कोई कुछ पालेगा ये बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, दो फंक्शन बहुत शानदार है, मैं यहाँ करा था बताइए ठीक कर लेना, मैं यहाँ करा था नागा साहब के पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेस ने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने आकर के कही और वो भारत के इतिहास में असाधारण घटना मानता हूँ। मैं उसको मैं पहले उसको ब्लैक डे मानता हूँ। आप उसको ब्लैक डे मानते हैं और वो होना नहीं चाहिए था। और वरिष्ठ चार जजेस के द्वारा ये किया जाना कोई सोच भी नहीं सकता। आपको क्या लगता है सर ऐसे और क्या होगा? और उसके लिए उन्हें ये प्रेस मीडिया में जाने की जगह आपस में बैठ करके फुल कोर्ट मीटिंग बुलवाते या प्रेसिडेंट को अप्रोच करते बजाय मीडिया के पास जाने। ऐसा नहीं लगता कि वो लोग उस आंतरिक घुटन से इतने परेशान थे, इतने संतरास में हुए थे कि उनको अपनी बात देशवासियों के सामने रखने के अलावा दूसरा कोई विकल्प सूझा नहीं? देखिए, जब तक आप सर्विसेज में हैं
आपको उस पद की गरिमा रखनी चाहिए, उसके बाद आप जब फ्री बर्ड हो जाए आपको पूरा अधिकार है जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं शौक से कहिए, परंतु जिस तंत्र में आप बंधे हुए हैं उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए। अच्छा चलिए मान लेते हैं उनका वो तरीका गलत था, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने रखे लोगों के सामने क्या वो ठीक है? उन मुद्दों में भी मैं कोई खास, क्योंकि मुख्यतः उनका रोस्टर प्रणाली के संबंध में था जी, और रोस्टर प्रणाली आज नहीं बहुत वर्षों से वही है कि जो आज भी चल रही है, और वो सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं, स्टेट लेवल हर हर हाईकोर्ट में उनका वो रोस्टर प्रणाली है। जब ये बेंचेस के गठन की बात होती है सर, तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि नंबर वन के जो जज हैं उनके साथ नंबर 18 का जज जो अभी 8 महीने पहले या 10 महीने पहले बना है वो बैठे हैं, और मैंने अक्सर ही महसूस किया है कि उस डीबी को जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए वो करती नहीं है। तो डीबी भी सिंगल बेंच की तरह ही काम करती है, और वो जूनियर जज जो होते हैं वो चुपचाप बेचारे बैठे रहते हैं, उनका कोई बहुत हस्तक्षेप या दखलंदाजी मैंने महसूस नहीं की। तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि नंबर एक नंबर दो की एक डीबी बने, नंबर तीन नंबर चार की एक डीबी बने, बजाय इसके कि एक नंबर के साथ आपने एक बिल्कुल न्यूली अपॉइंट जज को बिठा दिया, तो वो अपनी मर्यादा में रह करके बेचारा ना तो कुछ बोल पाता है, और शायद वो उतने सीखने के प्रोसेस में होते हैं इसलिए भी नहीं बोलते। आपको क्या लगता है? ये इस प्रणाली में मुख्यतया दो कारण है, जो जूनियर मोस्ट जज है उसके लिए बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए कोई सेपरेट टाइम नहीं होता या कोई और प्रोसीजर नहीं है, तो सीनियर जजेस के साथ बिठा करके उन्हें वो ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा जो आपने कहा नंबर वन और नंबर टू को एक साथ बिठाने का, यदि नंबर वन और नंबर टू को हमने एक साथ बिठा दिया, हमें तीन डिवीजन बेंचेस बनानी है, तो सीनियर जजेस कहाँ रहेंगे? और इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि सीनियर मोस्ट की एक डीबी बने और उसके साथ में जूनियर मोस्ट को ट्रेनिंग ले, जब उसका ट्रेनिंग पीरियड ठीक हो जाए तो उसके हिसाब से उसको इंडिपेंडेंट एसपी में भी दिया जाता है और दिया जा रहा है, इसलिए ये प्रणाली ठीक मानते हैं ठीक है और ठीक तरह से चल भी रही है, और ये सभी जगह सारे हाई कोर्ट्स में करीब करीब ऐसा ही तरीका। सर पिछले दिनों ये देखने में आ रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका में और खास करके सुप्रीम कोर्ट काफी तीव्रता से बढ़ा है, और पब्लिक परसेप्शन कुछ इस तरीके का बना है कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय और सरकार में टकराव की स्थिति है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आपका जो ये आंकना है मैं इसको सही मानता हूँ, और निश्चित रूप में देश के लिए घातक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों को इंडिपेंडेंट विंग माना है, पर तीनों का इक्वल माना है जी, ये नहीं है कि थर्ड विंग होने के कारण से वो इन्फीरियर है किसी भी तरह से लेजिस्लेचर से या एग्जीक्यूटिव से, बल्कि जुडिशरी देखा जाए तो एक ईगल आई है, क्योंकि लेजिस्लेचर ने कोई भी कानून पास कर दिया वो वैध है या नहीं है ये अधिकार ने न्यायपालिका को दिया जी, और एग्जीक्यूटिव ने क्या करना चाहिए नहीं किया तो उसको करने के लिए बाध्य करने के लिए भी अधिकार जुडिशरी को दिया जी, इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ही रहनी चाहिए, और उसका स्थान वही समकक्ष है जैसा कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर। इस टकराव का कारण आप क्या मानते हैं? इस टकराव का मुख्य कारण यही है कि आज हर
क्षेत्र में अपना प्रभाव अधिक से अधिक रहे, इसके लिए एक बोर्ड सी लगी हुई है, एक दौड़ लग रही है, मैं किससे आगे निकलता हूँ, मेरा अधिकार अधिक से अधिक हो, कर्तव्य को मैं भूलता जा रहा हूँ, ये इसका मुख्य कारण। एक और सवाल यह खड़ा होता है राका साहब कि देश में हर विषय को लेकर के लगभग कुछ नीतियां, हमारी अर्थ की नीति है, हमारी विदेश की नीति है, हमारी सुरक्षा की नीति है, विभिन्न नीतियां, क्या देश को किसी न्याय नीति की भी आवश्यकता है? न्याय नीति तो शुरू से ही चली आ रही है, न्याय होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए और न्याय शीघ्रता से करना चाहिए, अब उसमें और नीति की कोई आवश्यकता है नहीं। आप उसमें कोई स्टेप की जरूरत महसूस ना, ना, ना। जो प्रेजेंट सिनेरियो जैसा है वो अच्छा है, अच्छा है उसमें इतना इम्प्रूवमेंट यदि और किया जा सकता हो तो वो करना चाहिए। टेंडेंसी को दूर करने का जजेस के अपॉइंटमेंट के अलावा भी कोई तरीका हो सकता है? टेंडेंसी का मैं जो मुख्य कारण पा रहा हूँ वो ये पा रहा हूँ कि हर प्रयत्न ये हो रहा है कि रेस्पोंडेंट मैटर को प्रोलोंग करें और न्याय में जितने भी प्रावधान हैं प्रक्रिया के अनुसार उसके प्रत्येक तरह की एप्लीकेशंस और एडजोर्नमेंट्स अधिक से अधिक दिए जाते किए जाते हैं, तो मुख्य कारण टेंडेंसी का वही है। और तीसरा क्या है कि एडमिशन और ऑर्डर्स में इतना समय निकल जाता है कि फाइनल हियरिंग के ऊपर बहुत कम मैटर्स पहुंचते हैं और इसलिए उनका डिस्पोजल नहीं हो पाता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो में से एक होती है तो केस को लंबा करेगा ही, करता है सीधा सीधा आप ये कहना चाहता है, पहले ऐसा नहीं होता था? नहीं होता था। अच्छा, ये फर्क आया, उस समय ऐसा नहीं होता। इतनी तरह की एप्लीकेशन से डाली जा सकती है, सारी तरह की एप्लीकेशन डाल करके और उसको मैटर को प्रोलोंग कर। आपके उस दौर में ऐसा नहीं होता था जब आप लोगों ने मकान शुरू किया। हाँ, तो ये क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप का भी सवाल है, उसी का असर जी, उसी का असर है जी। सर, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जी, उसमें भारत सरकार के कानून की कुछ उन्होंने व्याख्या की अपने तरीके से। हमारा जो दलित शोषित समुदाय है उसको लेकर के एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बात करना, उस फैसले को लेकर के ऐसा देशव्यापी विरोध हुआ और लोग सड़कों पे उतर के आए, तो पहला सवाल तो मेरा इसमें ये है राका साहब कि क्या वो ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, वो व्याख्या जो की है, उसको आप ठीक मानते हैं? और दूसरा, उसका जिस तरीके से विरोध हुआ, क्या उसको आप ठीक मानते हैं? विरोध को मैं ठीक नहीं मानता, जो व्याख्या की गई है उसको मैं सही मानता। आपके हिसाब से उन्होंने ठीक किया? बिल्कुल, वो न्यायसंगत है, न्याय संगत। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है सर कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और अगर आप कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो आज लगभग कहीं भी वो नहीं होना चाहिए, लेकिन लगभग सब राज्यों में वो चल रहा है। यूपी जैसा एक आध अपवाद है जहाँ अखिलेश की सरकार ने लगभग 6 लाख लोगों को रिवर्ट कर दिया, प्रमोशन हुए लोगों की, लेकिन फिर वो चीजें अड़ गई और केंद्र सरकार फिर एक नया पेज उसमें लेकर के आ गई। इस पूरी चीज को आप कैसे देखते? ये सही है और होना भी चाहिए कि प्रमोशन में कोई भी प्रमोशन आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप एंट्री पॉइंट के ऊपर तो उन्हें परमिट कीजिए, वो स्वयं अपने आप को डेवलप करें, उन्हें आपने रास्ता बता दिया, अब रास्ता बताने के बाद डेवलप तो वो स्वयं करेंगे ना, और यदि डेवलप वो अपने आप स्वयं को नहीं कर सकते हैं तो प्रमोट होकर के यदि बढ़ते ही जाएंगे तो आपको इन्फीरियर क्वालिटी के पर्सन्स एट द हेल्म ऑफ द अफेयर मिलेंगे। इसलिए ये नीति मेरे हिसाब से सही है। आज मैं एक आपको सवाल पूछता हूँ जी, प्लीज।
क्या आप किसी डॉक्टर के से कि जो कॉम्पिटेंट नहीं है मगर प्रमोशन के बेसिस के ऊपर किसी स्थान पर पहुंच गया, आपने उसके उसके प्रति वो भावना रहेगी क्या कि मैं उससे अपना ट्रीटमेंट करवाऊं? मैं विद योर ड्यू परमिशन मैं एक सच्चा संस्मरण आपसे शेयर करता हूं, और इसलिए शेयर कर रहा हूं कि वो सज्जन अभी भी भारत सरकार में मंत्री पद पे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वो आज भी मोदी गवर्नमेंट के। उनका हर्निया का ऑपरेशन था एम्स में, उस समय एम्स के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर वेणुगोपाल थे, तो उन मंत्री जी ने उस समय वो रेल मंत्री हुआ करते थे, उन मंत्री जी ने डॉक्टर वेणुगोपाल को बुलवाया अपने रूम में और लिटरली उन्होंने ये कहा कि मेरा ऑपरेशन किसी ठाकुर ब्राह्मण के लड़के से करवाना है, जो मंत्री जी के शब्द होता है अपने आपको विश्वास नहीं, इसलिए प्रमोशन जबकि वो मंत्री जी उसी समुदाय को बिलोंग करते हैं, प्रमोशन में प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए जी। आपने एंट्री पॉइंट दे दी, अब आपकी होड़ में लगे हुए हैं और उसके बाद आप अपने बढ़ते रहिए, और यदि आप में खुद में ही कोई सब्सटेंस नहीं है तो आप कैसे आशा करते हैं कि हम ठीक बन सकते हैं? सही कह, इस मोड़ पर छोटा ब्रेक और लेते हैं सर, और वो सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं स्टेट लेवल हर हर या हाई कोर्ट में वो कवर हॉस्पिटल प्रणाली है। जब ये बेंचेस के गठन की बात होती है सर, तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि नंबर वन के जो जज हैं उनके साथ नंबर 18 का जज जो अभी 8 महीने या 10 महीने पहले बना वो बैठे हैं, और मैंने अक्सर ही महसूस किया है कि उस डीबी को जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए वो करती नहीं है, वो डीबी भी सिंगल बेंच की तरह ही काम करती है, और वो जूनियर जज जो होते हैं वो चुपचाप बेचारे बैठे रहते हैं, उनका कोई बहुत हस्तक्षेप या दखलंदाजी मैंने महसूस नहीं की। तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि नंबर एक नंबर दो की एक डीबी बने, नंबर तीन नंबर चार की एक डीबी बने, बजाय इसके कि एक नंबर के साथ आपने एक बिल्कुल न्यूली अपॉइंट जज को बिठा दिया, तो वो अपनी मर्यादा में रह करके बेचारा ना तो कुछ बोल पाता है और शायद वो उतने सीखने के प्रोसेस में होते हैं इसलिए भी नहीं बोलते, आपको क्या लगता है? ये इस प्रणाली में मुख्यतया दो कारण है, इसके जो जूनियर मोस्ट जज है उसके लिए बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए कोई सेपरेट टाइम नहीं होता या कोई और प्रोसीजर नहीं है, तो सीनियर जजेस के साथ बिठा करके उन्हें वो ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा जो आपने कहा नंबर वन और नंबर टू को एक साथ बिठाने का, यदि नंबर वन और नंबर टू को हमने एक साथ बिठा दिया, हमें तीन डिवीजन बेंचेस बनानी है, तो सीनियर जजेस कहाँ रहेंगे? और इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि सीनियर मोस्ट की एक डीबी बने और उसके साथ में जूनियर मोस्ट को ट्रेनिंग ले, जब उसका ट्रेनिंग पीरियड ठीक हो जाए तो उसके हिसाब से उसको इंडिपेंडेंट एसपी में भी दिया जाता है और दिया जा रहा है, इसलिए ये प्रणाली ठीक मानते हैं ठीक है और ठीक तरह से चल भी रही है, और ये सभी जगह सारे हाई कोर्ट्स में करीब करीब ऐसा ही तरीका। सर पिछले दिनों ये देखने में आ रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका में और खास करके सुप्रीम कोर्ट काफी तीव्रता से बढ़ा है, और पब्लिक परसेप्शन कुछ इस तरीके का बना है कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय और सरकार में टकराव की स्थिति है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आपका जो ये आंकना है मैं इसको सही मानता हूँ, और निश्चित रूप में देश के लिए घातक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों को इंडिपेंडेंट विंग माना है और तीनों का इक्वल माना है जी, ये नहीं है कि थर्ड विंग होने के कारण से वो इन्फीरियर है किसी भी तरह से लेजिस्लेचर से या एग्जीक्यूटिव से, बल्कि जुडिशरी देखा जाए तो एक ईगल आई है
क्योंकि लेजिस्लेचर ने कोई भी कानून पास कर दिया वो वैध है या नहीं है ये अधिकार ने न्यायपालिका को दिया जी, और एग्जीक्यूटिव ने क्या करना चाहिए नहीं किया तो उसको करने के लिए बाध्य करने के लिए भी अधिकार जुडिशरी को दिया जी। इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ही रहनी चाहिए और उसका स्थान वही समकक्ष है जैसा कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का है। इस टकराव का कारण आप क्या मानते हैं? इस टकराव का मुख्य कारण यही है कि आज हर क्षेत्र में अपना प्रभाव अधिक से अधिक रहे इसके लिए एक बोर्ड सी लगी हुई है, एक दौड़ लग रही है, मैं किससे आगे निकलता हूँ, मेरा अधिकार अधिक से अधिक हो, कर्तव्य को मैं भूलता जा रहा हूँ, यही इसका मुख्य कारण। एक और सवाल यह खड़ा होता है राका साहब कि देश में हर विषय को लेकर के लगभग कुछ नीतियां, हमारी अर्थ की नीति है, हमारी विदेश की नीति है, हमारी सुरक्षा की नीति है, विभिन्न नीतियां, क्या देश को किसी न्याय नीति की भी आवश्यकता? न्याय नीति तो शुरू से ही चली आ रही है, न्याय होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए और न्याय शीघ्रता से करना चाहिए, अब उसमें और नीति की कोई आवश्यकता है नहीं। आप उसमें कोई इस तरह की जरूरत महसूस ना, ना, ना। जो प्रेजेंट सिनेरियो जैसा है वो अच्छा है, वो अच्छा अच्छा है, उसमें जितना इम्प्रूवमेंट यदि और किया जा सकता हो तो वो करना चाहिए। टेंडेंसी को दूर करने का जजेस के अपॉइंटमेंट के अलावा भी कोई तरीका हो सकता है? टेंडेंसी का मैं जो मुख्य कारण पा रहा हूँ वो ये पा रहा हूँ कि हर प्रयत्न ये हो रहा है कि रेस्पोंडेंट मैटर को प्रोलोंग करे और न्याय में जितने भी प्रावधान हैं प्रक्रिया के अनुसार उसके प्रत्येक तरह की एप्लीकेशंस और एडजोर्नमेंट्स अधिक से अधिक दिए जाते किए जाते हैं, तो मुख्य कारण टेंडेंसी का वही है। और तीसरा क्या है कि एडमिशन और ऑर्डर्स में इतना समय निकल जाता है कि फाइनल हियरिंग के ऊपर बहुत कम मैटर्स पहुंचते हैं और इसलिए उनका डिस्पोजल नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो में से एक वकील तो केस को लंबा करेगा ही, करता है, सीधा सीधा आप ये कहना चाहता है, पहले ऐसा नहीं होता था? नहीं होता था। अच्छा, ये फर्क आया, उस समय ऐसा नहीं होता। इतनी तरह की एप्लीकेशन से डाली जा सकती है, सारी तरह की एप्लीकेशन डाल करके और उसको मैटर को प्रोलोंग कर, आपके उस दौर में ऐसा नहीं होता था, जब आप लोगों ने रखा। हाँ, तो ये क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप का भी सवाल है, उसी का असर जी, उसी का असर है जी। सर, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जी, उसमें भारत सरकार के कानून की कुछ उन्होंने व्याख्या की अपने तरीके से, हमारा जो दलित शोषित समुदाय है उसको लेकर के एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बात करना, उस फैसले को लेकर के ऐसा देशव्यापी विरोध हुआ और लोग सड़कों पर उतर के आए, तो पहला सवाल तो मेरा इसमें ये है राका साहब कि क्या वो ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, वो व्याख्या जो की है, उसको आप ठीक मानते हैं? और दूसरा, उसका जिस तरीके से विरोध हुआ, क्या उसको आप ठीक मानते हैं? विरोध को मैं ठीक नहीं मानता, जो व्याख्या की गई है उसको मैं सही मानता हूँ। आपके हिसाब से उन्होंने ठीक किया? बिल्कुल, वो न्यायसंगत है, न्यायसंगत, न्यायसंगत। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है सर कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और अगर आप कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो आज लगभग कहीं भी वो नहीं होना चाहिए, लेकिन लगभग सब राज्यों में वो चल रहा है। यूपी जैसा एक आध अपवाद है जहां अखिलेश की सरकार ने लगभग 6 लाख लोगों को रिवर्ट कर दिया, प्रमोशन हुए लोगों की, लेकिन फिर वो चीजें अड़ गई और केंद्र सरकार फिर एक नया पेज उसमें लेकर के आ गई। इस पूरी चीज को आप कैसे देखते हैं? ये सही है और होना भी चाहिए कि प्रमोशन में कोई भी प्रमोशन आरक्षण नहीं मिलना चाहिए,
एक्शन नहीं होना चाहिए, वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप एंट्री पॉइंट के ऊपर तो उन्हें परमिट कीजिए, वो स्वयं अपने आप को डेवलप करें, उन्हें आपने रास्ता बता दिया, अब रास्ता बताने के बाद डेवलप तो वो स्वयं करेंगे ना, और यदि डेवलप वो अपने आप स्वयं को नहीं कर सकते हैं तो प्रमोट होकर के यदि बढ़ते ही जाएंगे तो आपको इन्फीरियर क्वालिटी के पर्संस एट द हेल्म ऑफ द अफेयर मिलेंगे। इसलिए ये नीति मेरे हिसाब से सही है। हम एक और प्रश्न, आज मैं एक आपको सवाल पूछता हूँ जी प्लीज, क्या आप किसी डॉक्टर से कि जो कॉम्पिटेंट नहीं है मगर प्रमोशन के बेसिस के ऊपर किसी स्थान पर पहुंच गया, आपने उसके उसके प्रति वो भावना रहेगी क्या कि मैं उससे अपना ट्रीटमेंट करवाऊं? मैं विद योर ड्यू परमिशन मैं एक सच्चा संस्मरण आपसे शेयर करता हूं, और इसलिए शेयर कर रहा हूं कि वो सज्जन अभी भी भारत सरकार में मंत्री पद पे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वो आज भी मोदी गवर्नमेंट के। उनका हर्निया का ऑपरेशन था एम्स में, उस समय एम्स के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर वेणु गोपाल थे, तो उन मंत्री जी ने उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे, उन मंत्री जी ने डॉक्टर वेणु गोपाल को बुलवाया अपने रूम में और लिटरली उन्होंने ये कहा कि मेरा ऑपरेशन किसी ठाकुर ब्राह्मण के लड़के से करवाना, जो मंत्री जी के शब्द बता रहा हूँ मैं आपको, वो विश्वास नहीं, इसलिए प्रमोशन जबकि वो मंत्री जी उसी समुदाय को बिलोंग कर रहे हैं, प्रमोशन में प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए जी। आपने एंट्री पॉइंट दे दी, अब आपकी होड़ में लगे हुए हैं और उसके बाद आप अपने बढ़ते रहिए, और यदि आप में खुद में ही कोई सब्सटेंस नहीं है तो आप कैसे आशा करते हैं कि हम ठीक बन सकते। सर आपका मूड कोर्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा नहीं है, ये तो साधारण कंट्रीब्यूशन है, और मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि समाज से कुछ लिया है तो समाज को वापस देना चाहिए और समाज से ऋण होना चाहिए, ऋण लेकर के किसी व्यक्ति को इस संसार से नहीं जाना चाहिए, उसी में एक कदम है जो प्रयत्न किया है, क्योंकि बच्चे अधिक से अधिक श्रेष्ठ आए प्रोफेशन में, उस तरफ ये कदम बढ़ाने का प्रयत्न किया है, और उसमें पूरा सहयोग पैवियर लॉ कॉलेज का मिला। 2011 से उनके साथ रेगुलर हो रहा है और 64 टीम्स तक 19 स्टेट से, और आपको शायद अचंभा होगा जम्मू कश्मीर से, और वो भी लेडीज अच्छा आई है, और उसके बाद में मणिपाल यूनिवर्सिटी से 2016 से हुआ तो वो सेकंड, वो भी उनके साथ हो रहा है जी। और उनमें तो 84 तक टीम्स लास्ट आई थी जब मैंने आरसी लाहौटी साहब को बुलवाया था और अन्य जजेस भी थे, तो 3 दिन का ये कार्यक्रम रहता है। ये आपके दिमाग में आया कब था मूड कोर्ट वाला आइडिया? ये मूड कोर्ट का आइडिया मुझे प्रोफेसर मृदुल श्रीवास्तव हैं जो कि वहाँ डायरेक्टर थी, तो उससे पहले मैं एसोसिएट हुआ रियर लॉ कॉलेज से, और मैंने करीब 3100 लॉ बुक्स वहाँ की लाइब्रेरी को प्रेजेंट की, क्योंकि अभी पाइवियर लॉ कॉलेज में शिफ्ट हो चुकी है, तो उन्होंने एसोसिएट किया और उन्होंने सजेशन दिया और उसके बाद ये शुरुआत। कितने मूड कोर्ट हम लोग अब तक कर चुके हैं? अभी तक 11 मूड कोर्स तो नेशनल लेवल पे कर चुका हूँ जी, और 7 मूड कोर्स स्टेट लेवल पे कर चुका हूँ, टोटल 18 कर। थ्री ईयर लॉ कॉलेज का स्टेट लेवल के ऊपर एनुअल मूड कोर्ट होता है, इस तरह से करीब 18 हो चुके।
सर आपने लगभग 3 दर्जन से अधिक देश भर में गांधी जी की मूर्तियां भी लगाई, ये विचार आपके मन में कैसे आया? गांधी जी के लिए तो मैं श्रद्धा शुरू से ही चली आ रही है, और गांधी जी ने सत्य और अहिंसा दो मूल मंत्र दिए, और मूल मंत्र को प्रचारित और प्रसारित करने के हिसाब से मैंने प्रयत्न किया कि आने वाली पीढ़ी उस तरफ रुख रखे जी। तो उनकी प्रतिमाएं लगवाना चालू किया, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग SS बिस्सा, श्याम सुंदर बिस्सा का जी, जो IPS थे और उस समय सेंट्रल जेल अजमेर में वो सुप्रिंटेंडेंट थे जी, और उस समय अनुष्मान सिंह जी गवर्नर थे जी, उनसे उसका अनावरण करवाया जी। उसके बाद जोधपुर में हुआ, अशोक जी आए थे, उसके बाद कोटा में हुआ, ज्ञान सुधा जी भी, फिर 7-8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगाई गई, और गुवाहाटी में लग चुकी है, भुवनेश्वर में लग चुकी है, रायचूर में लग चुकी है, पलाकाड में लग चुकी है, सहारनपुर में, गुना, बैतूल और राजस्थान हाईकोर्ट में भी लग चुकी है, अभी पिछले वर्ष प्राकृतिक चिकित्सालय में भी लगी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी में लगी है, और बियानी कॉलेज में लगी है। इस तरह से ये गांधी का क्या करिश्मा है राका साहब कि आज पूरी दुनिया गांधीयन फिलॉसफी की तरफ जा रही है, ऐसा क्या करिश्मा है गांधी? उनका करिश्मा सिर्फ यही है कि जीवन सादगी से व्यतीत करें और जीवन जीने की कला सीखें, दूसरे के ऊपर पराश्रित नहीं रहें और किसी से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करें। तो ये भावनाएं जीवन के लिए विकसित करने के लिए आवश्यक हैं, और इसीलिए आज उसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है जी। और एक वही व्यक्ति है जिनकी प्रतिमाएं विदेशों में अधिक से अधिक और भी लग रही है। सही कहा। राजनीतिक कोण से यदि हम देखें तो गांधी पे कुछ आरोप भी हैं सर, और आपने एक लंबी आयु भी तय की है, आपने भारत को, हमारे समाज को, हमारी राजनीति को लंबे समय से देखा है। दो आरोपों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। गांधी जी पे कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो इस देश का पार्टीशन नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, आजकल एक सोशल मीडिया पे और बड़ा एलिगेशन चल रहा है कि गांधी यदि चाहते हैं तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। आप इन दोनों एपिसोड पे कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना इस तरह से अड़ गए थे और ब्रिटिश राज्य की कूटनीति कहिए, डिवाइड एंड रूल, उसके कारण से ऐसी स्थिति आ गई थी, या तो आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, और यदि आप इसको नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक था जी कि हमें उस चीज को एक्सेप्ट, गांधी जी को एक्सेप्ट करना पड़ा जी। और जो दूसरा आपने बताया भगत सिंह को फांसी वाला, भगत सिंह की फांसी के बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं इसमें कुछ भी अपना व्यू देने के लिए सक्षम नहीं जी। सर एक बात और है कि अभी आपने मूट कोर्ट, जब हम बात कर रहे थे मूट कोर्ट की, तो आपने कहा कि समाज से जो लिया है वो उसको लौटाना चाहिए, तो आपने सोशल सर्विस के लिए भी बहुत काम किया, तो उनके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत तो काम नहीं किया, मगर अपने शक्ति अनुसार जितना मैं कर सकता था, कर सकता हूँ और करता रहूँगा, ये मेरे में भावना रही है। और इसी क्षेत्र में पहले
अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी जो चौड़े रास्ते में अमर जैन अस्पताल जी, है जी। मैं 39 साल तक उसका सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रहा जी। आज जो कुछ भी रूप है वो मेरे प्रयत्नों से ही है। एक राजस्थान जयपुर रूरल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट मेरे मित्र थे श्री राम जी गोटेवाला जी, उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके उसको चंपापुरा में डेवलप किया। करीब 40 बीघा स्थान है और उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए उनको दिया और अब क्योंकि हम उसको आगे पूरा अधिक विकसित नहीं कर पाए तो बियानीज के साथ में जी उसको और विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस तरह शुरू से ही भावना रही किसी न किसी रूप में यदि कोई कार्य किया जा सके सत्कार्य किया जा सके तो मैं करने का प्रयत्न करता था और करता रहा। अभी इन दिनों आपकी दिनचर्या क्या रहती है सर? मुख्यतया करीब 2 दिन तो मैं हाईकोर्ट में जाता हूँ हर वीक में और बाकी आर्टिकल्स मेरे करीब करीब 700 या 800 पब्लिश हो चुके हैं। जो टेक्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं सेमिनार्स होती हैं उसमें भी करीब 1000 सेमिनार्स में मैं शिरकत कर चुका हूँ और अभी भी मैं करीब करीब हर दूसरे महीने किसी न किसी टैक्स कॉन्फ्रेंस में जाता रहा। अभी इसी महीने में इंदौर गया था, 26 मई को मैं आगरा जा रहा हूँ। इस तरह जगह जगह पर कॉन्फ्रेंसेस में या लोकल बार टैक्स एसोसिएशन में जो बुलाते हैं तो मैं जाने का प्रयत्न करता हूँ और अपने ज्ञान का वर्धन करता हूँ। आपकी कुछ हॉबीज भी हैं? हॉबीज के रूप में सिवाय अपना बुक्स को पढ़ने या बुक्स लिखने के अलावा 3-4 बुक्स संकलन के रूप में लिखी भी। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है और उसका नाम दिया है लॉ प्रोफेशन माय एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशन। वाह, तो जितने भी बूट कोर्स में या अन्य किसी लॉ स्टूडेंट्स के होते हैं तो वहाँ उन्हें वितरित भी करता हूँ। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए भी पुस्तक लिखी है और करीब करीब 20,000 पुस्तकें सारे भारतवर्ष में उनको भी मैं वितरित कर चुका हूँ। बहुत सी जगह उसके सेमिनार्स भी मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं। गांधी जी के ऊपर भी पुस्तक लिखी है, नेपाल गीवाला के ऊपर भी पुस्तक लिखी है मेरे संस्मरण के रूप में और मैं उनको ऐसा व्यक्ति मानता हूँ जो भूते ना भविष्य। बड़ा उनका नज़दीकी प्यार रहा मेरे साथ। कोई संस्मरण आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ पालकीवाला साहब से जुड़ा हुआ कोई संस्मरण जो आज भी याद पड़ता हो आपको? एक संस्मरण मैं देना चाहूँगा। जी जरूर। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बॉम्बे जी मैं मेरी अपीयरेंस भी थी और बाय चांस उस दिन उनका मैटर भी था और उनका मैटर मेरे केस के बाद में था। तो हालांकि वो मुझे अच्छी तरह से छोटे भाई के रूप में पहचानते रहे हैं परंतु उन्होंने पहले मेरे से ये पूछा, राका जी यदि आप इजाज़त दे दो मेरे को वापस जाना है मैं पहले मैटर आर्ग्यू कर लूँ जी, आप वाला पास ओवर करा दें। मेरा पास ओवर करके उनके बाद में नेक्स्ट हो गया जी। तो इतनी हम्बलनेस उस व्यक्ति की और उसी के विरुद्ध दूसरा दृष्टांत भी इसी रूप में देता हूँ। अच्छा, मिदुल सीनियर एडवोकेट थे रुद्र मुदुल नहीं
थी अपने दिल्ली में से, तीन एडवोकेट दिल्ली में थे, उनका मैटर और मेरा मैटर, और बेंच थी अपने श्रीमाल साहब की। बाई चांस मेरा मैटर पहले लगा हुआ, उनका मैटर बाद में लगा। उन्होंने ये सोच लिया भाई मैं तो सीनियर एडवोकेट हूँ, मुझे प्रेफरेंस मिलेगी। कोर्ट से कहा कि मुझे पहले टेकअप कर, लीजिए, नो वी विल नॉट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, यू शुड हैव रिक्वेस्टेड मिस्टर रांका, एंड देन इफ ही वुड हैव कंसेंटेड यू वुड हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। और मेरा मैटर पहले ईयर किया गया और उनका मैटर बाद में। ये डिफरेंस दोनों में, पालकीवाला में और इंडिया, हम्बलनेस यदि किसी को सीखना चाहिए तो पालकीवाला, तो पालकीवाला साहब से सीखना चाहिए। आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है सर? आपका हिंदी बहुत ही मतलब कमाल की हिंदी है। नहीं हिंदी में नहीं, वाकई हिंदी आपकी बहुत अच्छी है। नहीं आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, ये मतलब आपने इसको प्रैक्टिस किया है या वास्तव में शुरू से हिंदी अच्छा है? नहीं ये बात की देर, हिंदी आपकी बहुत अच्छी। नॉर्मली जिस लेवल के जिस पेडिस्टल पे आप वकील रहे हैं वहाँ अंग्रेजी में बहुत लोग अच्छे होते हैं, लेकिन हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती। आपकी हिंदी कमाल की हिंदी, शब्द चयन आपका बहुत अच्छा। क्योंकि हिंदी भाषा के लगाव भी है, हिंदी अपनी मातृभाषा है और हिंदी में बोलने में खुशी भी होती है और अधिक व्यक्तियों को आप अधिक से अधिक एजुकेट भी करवा, इसलिए हिंदी को तो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अब आखिरी सवाल ये है सर कि हमारे यंगर जनरेशन के जो लोग लीगल प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके लिए आपको कोई मैसेज, कोई सीख? उनके लिए एक ही मैसेज है, डिटर्मिनेशन रखो, डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए और अपने आप को उस दूरी बना करके रखो, जिस ब्रीफ को लो उस ब्रीफ को प्रॉपरली प्रिपेयर करो और टेक्स्ट बुक को अवश्य पढ़ो, कमेंट्री पे उतना विश्वास मत करो और केस लॉज को सर्च आउट करो। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको टिप्स देना चाहेंगे हमारे नए वकीलों को? जी थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा ना का सर, सो काइंड ऑफ यू।